नमस्कार दोस्तों, मैं हूं विवेक। आप देख रहे हैं वीके ट्रिप्स। दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगा कि जीएसटी के लिए रजिस्ट्रेशन करना है आपको अपने मोबाइल के द्वारा, तो वो आप कैसे कर सकते हैं। तो उसके लिए आपको करना ही होगा, सबसे पहले अपना ब्राउज़र खोलना होगा। ब्राउज़र खोलने के बाद आपको एक साइट है वो खोलनी होगी, gst.government.in। मैं इसको नीचे डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा। gst.government.in जैसे आप खोलेंगे तो ऐसा आपको एक पेज दिखाई देगा। इसमें आप नीचे लेंगे तो इसमें आपको यहाँ पर दिखाई देगा टैक्स पेयर नॉर्मल TDS TCS और नीचे रजिस्टर नाव का भी ऑप्शन है। इसमें ये देखिए, ये रजिस्टर नाव पर क्लिक कीजिएगा। इसमें न्यू रजिस्ट्रेशन पर क्लिक हो रखा है अपने ऑटोमेटिकली। इसके बाद में आपको इसमें सेलेक्ट करना है टैक्स पेयर, अपना स्टेट सेलेक्ट करना है। इसके बाद में इसमें जिला, इसके बाद में आपका नाम, इसके बाद में अपना यहाँ पर पैन नंबर, इसके बाद में आपका ईमेल आईडी, उसके बाद में आपका मोबाइल नंबर, उसके बाद यहाँ पर ये दिखाई दे रहा है नीचे, ये नंबर डालने हैं आपको। उसके बाद में प्रोसेड पर क्लिक करना है। ये देखिए, आपके मोबाइल पर एक OTP आएगा, उसको एंटर करना है इसमें, और आपके मेल पर भी जो OTP आया है उसको भी आपको एंटर करना है इस पर। उसके बाद में प्रोसेड पर क्लिक करना है। ये देखिए, अपना TRN नंबर आ गया है, टेम्प्रेरी रेफरेंस नंबर, इससे हमको लॉगिन करना है। अब हमारा Part 1 कंप्लीट हो गया है, मतलब हमारा आधा काम कंप्लीट हो गया है अभी। ये देखिए, हमारा फॉर्म ओपन हो गया है। अब ये मोबाइल है तो इसमें पूरा दिखाई नहीं दे रहा है, इसको हम साइड में पकड़ के यहाँ पर स्लाइड करेंगे तो हमें यहाँ दिखाई देगा एक्शन। एक्शन पर क्लिक करना है हमको। ये देखिए, ये ओपन हो गया है। इसको हम नीचे लेंगे तो यहाँ पर देखिए आ रहा है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ बिजनेस। इसमें अपन को सेलेक्ट करना है, अगर अपन किसी गवर्नमेंट स्कूल का या फिर किसी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट का अपन रजिस्ट्रेशन कर रहे तो इसमें गवर्नमेंट डिपार्टमेंट पर इस पर सेलेक्ट कर दीजिए, या फिर हम किसी प्राइवेट कंपनी का कर रहा है तो इसमें प्राइवेट को कर दीजिए सेलेक्ट, या फिर किसी भी, या फिर आपका कोई अन्य बिजनेस है तो इसमें अदर पर क्लिक करके यहाँ पर अपने बिजनेस का नाम डाल दीजिए। इसके बाद में यहाँ पर अपना बार्ड सेलेक्ट करना है, तो जो अभी मैं करौली का कर रहा हूँ तो ये करौली का भरतपुर के अंदर आता है, तो हम इसको सेलेक्ट कर देंगे। आप ये जानना चाहते हैं कि अगर आपको ये किसके अंदर, किस सर्किल में आता है हमारा, तो आप इसको गूगल पर सर्च कर लीजिए, वहाँ पर आपको पूरी लिस्ट मिल जाएगी कि आपका जो क्षेत्र है वो किस सर्कल में आता है। यहाँ पर ये देखने के लिए कि हमारा किस सर्कल के अंदर आता है, आप गूगल में सर्च कीजिए GST सर्कल के नाम से, उसमें आपका पूरा डिटेल आपको मालूम चल जाएगा कि आपका जो प्लेस है वो किस सर्कल के अंदर आ रहा है, किस जोन के अंदर आ रहा है वो। इसके बाद में रीजन ऑफ ऑप्टेन रजिस्ट्रेशन, इस पर सेलेक्ट करना है आपको। तो दोस्तों, ये था तरीका कि कैसे आप GST के लिए रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं अपने मोबाइल से भी, बहुत ही आसान है ये। दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसे लगा मुझे जरूर बताइए, अपने अनुभव कमेंट्स में शेयर कीजिए, और पसंद आए हो तो लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए, नहीं आए हो तो भी कर दीजिए, क्योंकि मैं आपके लिए ऐसे ही अच्छे वीडियो लाता रहता हूँ। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद।